तो दोस्तों, अगर आपके भी वॉशिंग मशीन से अगर इस तरीके की समस्या आ रही है तो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे इस समस्या का क्या समाधान है और इसको कैसे हल किया जाए। तो दोस्तों, अगर आपके भी वॉशिंग मशीन से इस तरीके से आवाज़ आ रही है तो आप इस समस्या का समाधान अपने घर पे ही कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे देसी जुगाड़ टेक चैनल में। आज हम आपको इस वॉशिंग मशीन से इस तरीके का आवाज़ जो आता है उसको कैसे ठीक करेंगे। बहुत ही मामूली इलाज है, आप बहुत आसान तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे देसी जुगाड़ टेक चैनल में। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन भाई लोगों ने पहले से ही चैनल सब्सक्राइब करके रखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम आपको इस समस्या का समाधान बताते हैं, कैसे इसको हल करते हैं। आप लोग आवाज़ सुन पा रहे हैं ना, इस तरीके से अगर आपके वॉशिंग मशीन से भी आवाज़ आ रही है तो आप इसको बहुत आसान तरीके से अपने घर पर ही सही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसका हम इलाज करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो सॉफ्ट दिख रहा है, यहाँ पे जो एक बफर लगा हुआ है, यही होता क्या है कि यहाँ पे पानी का इतना ज़्यादा मतलब इस रिसाव होता है। ये देखिए, यहाँ पर अब एकदम क्लियर आपको दिख रहा होगा, वो बफर जो है, ये बफर जो है पानी की वजह से कट जाता है। यहाँ पे देखिए, आपको हम आपको जूम करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये वाला, इसमें चिकनाहट आ जाता है, जिसकी वजह घिसता है जिसको बोलते हैं, तो इसी के वजह से ये आवाज़ आती है। तो अभी हम इसका इलाज क्या करेंगे, तो चलिए अब इसका हम इलाज करते हैं। हमने इसका इलाज पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। ये देखिए, ये ऑयल हमने ले लिया है। इस ऑयल का इस्तेमाल देखिए हमारे सिलाई मशीन में किया जाता है, और उसी ऑयल को हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए हम इसको पहले इसमें अच्छी तरीके से इसको पिला देते हैं सॉफ्ट को। ऐसे सुनने में तो लगता है इसकी आवाज़ जो होती है उसकी वजह से लगता है कि बहुत बड़ी समस्या आ गई है हमारे वॉशिंग मशीन, और इसी में हम लोग घबरा जाते हैं, अपने घर पे इसका इंजीनियर बुला लेते हैं, या अगर हमारे कंपनी का कोई वॉशिंग मशीन है तो हम उसको जो है कंपनी में फ़ोन करके बुला लेते हैं। वारंटी पीरियड में है तो भाई अच्छी बात है, आपका पैसा नहीं लगेगा, और नहीं तो आपको पैसा पे करना पड़ जाता है। तो आपको हम इस वीडियो में यही बता रहे हैं, आप लोग भी सीख लीजिए, कभी ऐसी समस्या आए तो आप लोग पहला प्रायोरिटी अपने से ही प्रयास करिए, उसके बाद जब ना हो तो फिर आप इंजीनियर बुलाइए। चलिए फिलहाल हमने इसमें ऑयल डाल दिया है, अब चलिए इसको हम चेक करके फिर से देखते हैं कि हमारा समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा वॉशिंग मशीन एकदम अच्छे तरीके से चलने लगा। अभी जो ये हल्का फुल्का आवाज़ आ रहा है, अभी जब ये ऑयल अच्छी तरीके से रिसाव ले लेगा, पूरी तरीके से भीग जाएगा, ये भी आवाज़ ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।